आज हमारे पास है गेमिंग स्टिक M33 या इसके अंदर आपको 45 एमुलेटर देखने को मिलता है, जैसे PS1, PSP इन सब के आपको एमुलेटर देखने को मिलते हैं। और जब मुझे शॉपकीपर ने ये बताया कि इसके अंदर आप GTA Vice City भी गेम को खेल सकते हैं, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने प्ले किया, गेम को खेला, तो यार तब मुझे लगा कि यार ये सपना है या सच है, क्या इतने छोटे से स्टिप के अंदर GTA Vice City कैसे चल सकता है। क्योंकि GTA Vice City के लिए एक CPU, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, प्रॉपर मिनिमम एक i3 प्रोसेसर तो चाहिए ही चाहिए GTA Vice City गेम को प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो बॉक्स को हम ओपन करते हैं, बॉक्स को ओपन करते ही हमारे सामने ये एक स्टिप कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। इस स्टिप को हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं, यार ये एक ब्लैक कलर का स्टिप है, इसके ऊपर 4K लिखा हुआ है, मतलब आप इसके अंदर 4K तक की गेमिंग को कर सकते हैं। हाँ, मगर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080p है। नॉर्मली जो घरों में LED TV इस्तेमाल की जाती है उनके 1080p ही रेजोल्यूशन होते हैं, तो काफ़ी बेटर है। तो 1080p में आप इसको आराम से खेल सकते हैं। जब हम इसके कवर को ओपन करते हैं तो एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, और इसको हम अपने TV के HDMI सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में हम इंस्टॉल करके अपने गेम को हम प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड भी देखने को मिलता है, इस मेमोरी कार्ड में ही सारी गेमें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको सी टाइप का पिन देखने को मिलेगा। इस सी टाइप में आप इंस्टॉल करके आप इसको चालू कर सकते हैं, इस स्टिप को एक अडेप्टर और एक सी टाइप केबल लगा करके आप इस अडेप्टर से इस स्टिप को आप चालू कर सकते हैं। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। चलिए अब सेकेंड चीज़ देखते हैं। तो सेकेंड चीज़ में आपको ये एक छोटा सा डोंगल देखने को मिलेगा, जो इसका जो काम होता है वो वायरलेसली रिमोट को कनेक्ट करता है आपके स्टिप से, और आप इसको खेल सकते हैं और वायरलेसली कितने भी डिस्टेंस पे भी आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस डोंगल से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और बाकी डोंगल काफ़ी बेटर है। हाँ, बाकी इस स्टिप के अंदर डोंगल कहाँ लगेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक USB का ऑप्शन दे रखा है, USB पोर्ट का, तो आप इस डोंगल को इस USB पोर्ट में आप ऐसे लगा करके आप इसको वायरलेसली बना सकते हैं, और वायरलेसली रिमोट को इस स्टिप के साथ कनेक्ट करके आप गेम्स को खेल सकते हैं। सेकेंड चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं, जो मेन हमें लगता है ये कंट्रोलर। इस कंट्रोलर के अंदर आपको एक स्क्रॉलर देखने को मिलता है और कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं। या जब मैं बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम सा फील आ रहा है, और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है इसको प्रेस करने में, और बहुत अच्छा लग रहा है इसको प्रेस करते हुए। और यहाँ पे भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्रीमियम सा फील आ रहा है, और ये सर्कल भी काफ़ी प्रीमियम था, बहुत स्मूथ वर्क कर रहा है, एक ऐसा नहीं लग रहा कि हार्ड सा है, ऐसा कुछ भी मेरे को फील नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल प्रीमियम सा मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पे पीछे इसमें देखें तो दो पतली सी सेल लगेगी। तो चलिए बाकी और गेम खेल के इसका हम रिव्यू जानते हैं, क्या एक्सपीरियंस है गेम का। बाकी सेकंड कंट्रोलर सेम चीज़, सेकंड कंट्रोलर भी आपको सेम देखने को मिलता है। और इस गेम को जो स्पॉन्सर किया है, PS ट्रेडर ने स्पॉन्सर किया है, और इनका जो शॉप है चांदनी चौक में, 443 नंबर शॉप है इनका, इनके पास ये गेम अवेलेबल है। अगर आपको किसी को भी गेम चाहिए तो मैंने डिस्प्ले पे नंबर दे दिया है। बाकी कैसी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।